हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी फूड रेसिपीज। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल केक। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप पिसा हुआ शक्कर, 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, आवश्यकता अनुसार दूध, आधा टीस्पून या 15-16 बूंद पाइनएप्पल एसेंस, आधा टीस्पून वाइट विनेगर। अच्छे से मिला लें। छलनी में 1 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक, सभी को छान लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध डालकर मिलाएंगे। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि दूध रूम टेम्परेचर में ही रहना चाहिए। देखिए, बैटर इतना स्मूथ रहना चाहिए। केक मोल्ड में ऑयल लगा लेंगे, बटर पेपर पर भी ऑयल लगा लेंगे। मैंने 5 मिनट पहले से ही कुकर को नमक और स्टैंड डालकर गर्म करने के लिए ढक कर रख दिया है। कुकर में केक मोल्ड डालेंगे और 35-40 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। कुकर का सीटी निकाल देंगे। 35-40 मिनट के बाद केक को स्टिक से चेक कर लेंगे। केक पक चुका है, इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे, बटर पेपर भी निकाल लेंगे। टॉप लेयर काट कर इसे बराबर कर लेंगे। अब केक को 3 लेयर में सावधानी से काटेंगे ताकि ये बराबर हिस्सों में कट जाए। देखिए फ्रेंड्स, केक कट चुका है, कितना सॉफ्ट स्पंजी बना है। इसी तरह दूसरी लेयर भी काट लेंगे। आइसिंग के लिए 1 कप व्हिप क्रीम लेंगे और बीट कर लेंगे। आधा छोटा चम्मच या 10-12 बूंद पाइनएप्पल एसेंस डालकर इसे 8-9 मिनट तक बीट करेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए आधे कप पानी में 2 चम्मच शक्कर डालेंगे और मिलाएंगे। क्रीम को पाइपिंग बैग में डालेंगे और कट कर लेंगे। केक बोर्ड में थोड़ा क्रीम लगा लेंगे। केक का पहला लेयर रखेंगे और शुगर सिरप लगाएंगे। पाइपिंग बैग के हेल्प से केक में क्रीम अप्लाई करेंगे और स्पैचुला की हेल्प से टर्निंग टेबल को घुमाते हुए फैला लेंगे। क्रीम के ऊपर पाइनएप्पल क्रश डालेंगे और इसे भी फैला लेंगे। इसी तरह दूसरे लेयर पर भी शुगर सिरप, क्रीम और क्रश अप्लाई करेंगे। पहले लेयर पर भी शुगर सिरप लगाएंगे और क्रीम अप्लाई करके हल्के हल्के हाथों से फैलाएंगे। केक के साइड को भी क्रीम से पैक कर लेंगे और इसे भी स्पैचुला की सहायता से टर्निंग टेबल को घुमाते हुए फैलाएंगे। केक क्रीम से पूरी तरह कवर हो चुका है। आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। हम पाइनएप्पल जेल केक बना रहे हैं, इसलिए हमने 2 चम्मच न्यूट्रल जेल लिया है। 1 चम्मच पानी और 2 बूंद येलो फूड कलर मिलाएंगे। केक के टॉप लेयर पर जेल डाल देंगे और इसे हल्के से फैला लेंगे। फ्लावर नोजल से हमने फ्लावर डिज़ाइन दिया हुआ है। बॉर्डर को हमने स्टार डिज़ाइन दिया हुआ है। मैंने यहाँ स्टार नोजल का उपयोग किया है। केक को हमने स्प्रिंकलर से भी डेकोरेट किया है। देखिए कितना सुंदर केक बना है, इसे काट कर भी देख लेते हैं। देखिए अंदर से भी केक कितना सुंदर दिख रहा है। फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई करिए और आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और भी नए रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।